सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक और एक नए अमेजिंग से वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 6 पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट 2 के अच्छे खासे पोकेमॉन। इसमें पहले पे आता है स्नाइवी। स्नाइवी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है। इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ तो बहुत ही अच्छी है। मैं पर्सनली इसे बहुत पसंद करता हूँ और इसके अटैक्स बेस स्टैट्स है HP 200, अटैक 85, डिफेंस 103, स्पेशल अटैक 85, स्पेशल डिफेंस 103, स्पीड 117, टोटल 308। मतलब बहुत ही अच्छा है इसका। आप इसको ग्रास टाइप में यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टर है ये और ये बहुत ही अच्छा स्टार्टर है। इसके बाद आता है इसके टाइप। नॉट वेरी इफेक्टिवनेस 3-4 है और बाकी का आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके। बाकी सब इसके नॉर्मल लगते हैं, फाइटिंग नॉर्मल, डार्क गोस्ट ये सब इसको नॉर्मल लगते हैं। इसके अटैक्स है टैकल, लियर, वाइन वेप, रैप, ग्रोथ, लीफ स्टॉर्म, लीच सीड, मेगा ड्रेन, स्लैम, लीफ ब्लेड, कॉइल, गीगा ड्रेन, रिंग आउट, गैस्ट्रो एसिड, लीफ स्टॉर्म। लीफ स्टॉर्म तो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक लगता है। मैं लीफ टॉर्नेडो तो बहुत ही जल्दी सीख जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सरपीरियर, सरपीरियर इसका 3rd इवोल्यूशन है स्नाइवी का। मुझे सच में ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि सरपीरियर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये अपनी टेल से बहुत ही खतरनाक अटैक करता है एनिमे में भी और गेम में भी। अब भले से हमें अटैक करते हुए दिखाता तो नहीं है गेम में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक्स करता है। इसके डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद है और ये सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके बेस स्टैट्स भी बहुत अच्छे हैं और इसके अटैक्स भी बहुत अच्छे हैं। इसके बेस स्टैट्स है HP 260, अटैक 139, डिफेंस 175, स्पेशल अटैक 139, स्पेशल डिफेंस 175, स्पीड 207, टोटल 528, जो कि बहुत ही अच्छा है। मेरे हिसाब से एक स्टार्टर को इतना ही अच्छा होना चाहिए, बाकी सब शायद इतने अच्छे नहीं होंगे। और ये मेरे हिसाब से ग्राफ में बेस्ट है। इसके बाद इसके इफेक्टिवनेस है 1, 2, 3, 4 या 5। इसके वही है, सेम ही है दोनों के, क्योंकि इसका टाइप चेंज नहीं होता है बिल्कुल भी इवॉल्व होने के बाद। तो आप एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। इसके अटैक्स टैकल, वाइन वेप, रैप, लियर, वाइन वेप, रैप, ग्रोथ, लीफ टॉर्नेडो, लीच सीड, मेगा ड्रेन, स्लैम, लीफ ब्लेड, कॉइल, गीगा ड्रेन, रिंग आउट, गैस्ट्रो एसिड, लीफ स्टॉर्म, सब सेम है। बस एक गीगा ड्रेन सीखता है, जो कि मुझे एक बहुत ही ओपी अटैक लगता है क्योंकि वो सामने वाले को सोख भी लेता है। इसके बाद है इवोल्यूशन चार्ट इसका, स्नाइवी, सर्वाइन, सरपीरियर, ये 3 है। बहुत ही जल्दी इवॉल्व होता है, मुझे बहुत पसंद है ये। इसके बाद आता है रियोलू। रियोलू तो मुझे सच में इतना पसंद है कि पूछो ही मत, क्योंकि रियोलू एक फाइटिंग टाइप है, उसके साथ में बहुत स्मार्ट भी दिखता है। इसके अटैक्स भी बहुत अच्छे हैं, इसके बेस स्टैट्स भी बहुत अच्छे हैं। मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया है अपने पोकेमॉन की जर्नी में और सच में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैंने पूरे निंटेंडो स्विच में इसके साथ ही खेला हूँ। HP 190, अटैक 130, डिफेंस 76, स्पेशल अटैक 67, स्पेशल डिफेंस 76, स्पीड 112, टोटल 285, जो कि बहुत ही अच्छा है। मालूम है थोड़ा कम है, लेकिन इसके लुकारियो बनने पर ये पूरा कवर हो जाता है, क्योंकि ये इवॉल्व नहीं होता है तब तक पूरी तरह से इसमें पावर्स नहीं आती है। इसके इफेक्टिवनेस है, देखिए 3 इफेक्टिवनेस है और 3 नॉट वेरी इफेक्टिवनेस है, बाकी सब इसको नॉर्मल लगते हैं। फ्लाइंग, साइकिक और फेरी इसको लगता है, फेरी तो बहुत ही रेयर है। डार्क इसको नहीं लगता है, रॉक इसको नहीं लगता है, बग इसको नहीं लगता है, जो कि नॉर्मल है। इसके अटैक्स है एंड्योर, फोरसाइट, क्विक अटैक, काउंटर, फोर्स पाम, फियंट, रिवर्सल, स्क्रीच, कॉपीकैट, नेस्टी प्लॉट, फाइनल गैम्बिट। फाइनल गैम्बिट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आप इसे वहाँ तक लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ये इवॉल्व हो जाएगा उसके पहले। और आप, मैं बात करता हूँ फोर्स पाम की। फोर्स पाम भी एक बहुत ही पावरफुल फाइटिंग टाइप अटैक है, जो कि मैं हर बार यूज़ करता हूँ, और रिवर्सल भी बहुत पावरफुल अटैक है। इसके बाद आता है लुकारियो, जो कि रियोलू का विकसित रूप है। मुझे सच में लुकारियो इतना पसंद है कि पूछो ही मत। मैं लुकारियो को हर एक गेम में यूज़ करता हूँ, इतना मुझे वो पसंद है। और मैं सच में इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि इसका मेगा इवोल्यूशन भी है। भले से ब्लैक एंड वाइट गेम में नहीं है, लेकिन इसका मेगा इवोल्यूशन भी है। इसके अटैक्स और बाकी सब चीज़ें भी इसकी बहुत अच्छी है, मुझे सच में ये बहुत पसंद है। और इसके बेस स्टैट्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और इसकी पावर्स का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसके बेस स्टैट्स है HP 250, अटैक 202, डिफेंस 130, स्पेशल अटैक
211, स्पेशल डिफेंस 130, स्पीड 166, टोटल 525। मैंने बोला था ना ये पूरा कवर कर लेगा, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सच में आपको इसके साथ खेलने बहुत मज़ा आएगा, इसके अटैक्स भी बहुत अच्छे हैं और स्पीयर तो बहुत ही अच्छा है। एनिमेशन आपको सच में इसे ब्लॉकनेमॉन ब्लैक एंड वाइट 2 में लेना चाहिए। इसके इफेक्टिवनेस बदल जाते हैं क्योंकि इसका टाइप भी बदल जाता है। इसको फायर सुपर इफेक्टिव लगता है, फाइटिंग लगता है और ग्राउंड लगता है, एक बढ़ जाता है लेकिन नॉट वेरी इफेक्टिव भी बहुत बढ़ जाते हैं। नॉर्मल इसको नॉट वेरी इफेक्टिव ग्रास, आइस, बग, रॉक और भी कई सारे। इसके अटैक्स है डार्क पल्स, डिटेक्ट, फोसाइट, मेटल क्लॉ, क्विक अटैक, काउंटर, फोर्स पाम, फियंट, बोनरश, मेटल क्लॉ, मी फर्स्ट, क्विक गार्ड, स्वॉर्ड डांस, हील पल्स, काम माइंड, ऑरा स्फीयर, क्लोज कॉम्बैट। अगर आपने इसे इवॉल्व नहीं किया फोर्स पाम सिखाने के बाद तो आई थिंक कि 19 पे बोनरश सीखता है और आप बोनरश को स्किप कर जाएंगे क्योंकि एक बहुत पावरफुल है। इसका इवोल्यूशनरी चार्ट है ये, आपको इसे बहुत प्यार से रखना होगा और डे टाइम के टाइम पे ट्रेनिंग करानी होगी, तभी ही ये इवॉल्व होगा। अब अपना पांचवा पोकेमॉन है वेपोरियन। वेपोरियन एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है और सच में मुझे ये सबसे अच्छा और बेहतरीन पोकेमॉन लगता है वाटर टाइप। और सच में इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ है इसकी वाटर टाइप एबिलिटी जो कि है वाटर एब्जॉर्ब। अब इस पर कोई भी वाटर टाइप अटैक होता है तो ये उस वाटर टाइप अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद में ही HP गेन कर लेता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है इसकी और मुझे ये एबिलिटी बहुत पसंद है। इसकी HP है 370, अटैक है 121, डिफेंस है 112, स्पेशल अटैक 202, स्पेशल डिफेंस 175, स्पीड 121, टोटल 525। बिना इवॉल्व हुए ये इतना ज़्यादा पावरफुल, तो सोचिए इवॉल्व होता तो कितना पावरफुल। देखिए वाटर एब्जॉर्ब एबिलिटी, इसको फायर नहीं लगता, वाटर नहीं लगता, इलेक्ट्रिक और ग्रास सिर्फ दो ही इस पर सुपर इफेक्टिव है बस, बाकी देख सकते हैं सब नॉर्मल लगता है। नॉट वेरी इफेक्टिव भी है इस पर, ठीक ठाक है, और वाटर तो लगता ही नहीं है, मैंने बोला था ना वाटर एब्जॉर्ब एबिलिटी की वजह से। और इसके अटैक्स है हेल्पिंग हैंड, टैकल, टेल वेव, सैंड अटैक, वाटर गन, क्विक अटैक, बाइट, ऑरोरा बीम, एक्वायरिंग, लास्ट रिजॉर्ट, हेज, एसिड आर्मर, हाइड्रो पंप और मडी वाटर। मडी वाटर तो बहुत पावरफुल है, आपको दोनों रखना चाहिए मेरे हिसाब से, हाइड्रो पंप और मडी वाटर, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। छठे पे है डारूमा का। डारूमा का मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ जब मैं पोकेमॉन ब्लैक खेलना चालू किया था और मुझे सच में ये फायर टाइप में बहुत अच्छा लगा था। मैंने इसे जब भी खेला हूँ तब लिया हूँ क्योंकि दारुमा का एक ऐसा फायर टाइप है जो मुझे इतना पसंद आया और ये फाइटिंग टाइप भी है जो कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। इस पर कम अटैक लगते हैं और ज़्यादा अटैक ये मारता है। HP 250, अटैक 166, डिफेंस 85, स्पेशल अटैक 31, स्पेशल डिफेंस 85, स्पीड 94, टोटल 315 कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है भाइयों। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही है इसके बेस स्टैट्स। इसके इफेक्टिवनेस देख लीजिए, इसको वाटर लगता है, ग्राउंड लगता है, रॉक लगता है, बस तीन। इसको फायर ही नहीं लगता, स्टील नहीं लगता, बग नहीं लगता, फायर नहीं लगता, ग्रास नहीं लगता, आइस नहीं लगता। देखिए कितने सारे नॉट वेरी इफेक्टिव है, तीन वो है और इतने सारे नॉट वेरी इफेक्टिव। मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट होगा, आपको इसे लेना चाहिए। इसके अटैक्स है टैकल, रोल आउट, इंसिनरेट, रेज, फायर फैंग, हेडबट, अप्रोर, फैकेट, फायर पंच, वॉकअप, थ्रैश, बेली ड्रम, फ्लेयर ब्लेड, स्टॉन्ट, सुपर पावर, ओवर इट। ओवर इट तो आपको मालूम ही है कितना पावरफुल है, एश के टॉर्कोल के पास भी था और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब आता है अपना टारमनीतान। डारमनीतान बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये इसका विकसित रूप है डारुमाका का। मैंने डारमनीतान को हर बार यूज़ किया है और मेरे हिसाब से ये बेस्ट फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन, और मैंने इसे बहुत बार यूज़ किया है। इसके अटैक्स भी बहुत अच्छे हैं और इसके बेस स्टैट्स भी बहुत अच्छे हैं, जो कि है HP 320, अटैक 256, डिफेंस 103, स्पेशल अटैक 58, स्पेशल डिफेंस 103, स्पीड 175, टोटल 480। मालूम है इसके डिफेंस, स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस कम है लेकिन ये बहुत पावरफुल है, यकीन कीजिए। और इसके बाद आते हैं इसके शायद इसके इफेक्टिवनेस, जो कि है फायर, इसको नहीं लगता, वाटर, ग्राउंड और रॉक, जो कि पहले के जैसे ही है, सेम है। नॉट वेरी इफेक्टिव भी इसके कई ज़्यादा हैं बजाय इसके सुपर इफेक्टिव के। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है क्योंकि जिसके नॉट वेरी इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन होता है, समझे। और इसके अटैक्स भी बहुत अच्छे हैं, मेरे हिसाब से ये आपको फायर टाइप पोकेमॉन में सबसे अच्छा मिलेगा पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट 2 में। इसके अटैक्स है
टैकल, रोल आउट, इंसनरेट, रेज, फायर फैंग, हेडबट, स्वैगर, फैकेड, फायर पंच, वर्कअप, थ्रैश, बेलीडम, फ्लेयर ब्लिट्स, हैमर आर्म, टॉन, सुपर पावर, ओवर इट। आपने देखा फ्लेयर ब्लिट्स और सुपर पावर दोनों अच्छे अटैक्स है और आपको इसको सिखाना चाहिए। हैमर आर्म भी बहुत अच्छा अटैक है और ये फायर पंच भी एक्स्ट्रा सीखता है। स्वैगर भी आप यूज़ कर सकते हो। आठवां है हमारा जोरुआ। जोरुआ को तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारी मूवीज़ में भी आया और इसकी इल्यूजन पावर हमें बहुत दिखाई गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी है। इसने बहुतों को सुलाया है अपनी इल्यूजन पावर से, बहुतों को परेशान भी किया है। मेरे हिसाब से जोरुआ एक बेस्ट रहेगा आपको अगर पहली बार खेल रहे हो। इसके अटैक भी बहुत ओपी है और इसके बेस स्टैट्स देख लीजिए। एचपी 190, अटैक 121, डिफेंस 76, स्पेशल अटैक 148, स्पेशल डिफेंस 76, स्पीड 121, टोटल 330, जो कि बहुत कम नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा है और मेरे हिसाब से एक पोकेमोन में इतना होना ही चाहिए, जबकि ये इवॉल्व भी नहीं है। और इसके इफेक्टिवनेस देख लीजिए, फाइटिंग, बग और फेरी। फेरी तो मिलता भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ फाइटिंग और बग, जो कि बहुत ही कम है। इसको साइकिक लगता भी नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। गोस्ट और डार्क इस पर नॉट वेरी इफेक्टिव है, भले से कम है इसके नॉट वेरी इफेक्टिव, लेकिन फिर भी ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप मान के रख लीजिए। इसके अटैक्स भी बहुत अच्छे हैं और इसके अटैक्स है लियर, स्क्रैच, परस्यूट, फेक टीयर्स, फ्यूरी स्वाइप्स, फेंट अटैक, स्कैरी फेस, टॉन्ट, फाउल प्ले, टॉर्मेंट, एजिलिटी, एम्पागो, पनिशमेंट, नेस्टी प्लॉट, इम्प्रिजन, नाइट डेज। नाइट डेज मुझे इतना अच्छे से नहीं मालूम, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। फाउल प्ले एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डार्क टाइप अटैक है, मैंने यूज़ कर चुका हूँ। यह है जोरुआक, जो कि है जोरुआक का विकसित रूप। जोरुआक बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपको मूवी में दिखाई गई होगी इसकी पावर, इसको इसके बच्चे से अलग करने पर जिसने कितना ज़्यादा उधम मचा दी थी। और मेरे हिसाब से जोरुआक आपके लिए बेस्ट होगा, जोरुआ और जोरुआक आपको इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके अटैक्स, बेस स्टैट्स सब बहुत ही अच्छे हैं और मैंने इसे स्पेशली खुद भी यूज़ किया हूँ और आपको बता रहा हूँ। इसके अटैक्स है, मतलब बेस स्टैट्स है, एचपी 230, अटैक 193, डिफेंस 112, स्पेशल अटैक तो उसका बहुत अच्छा है 220, स्पेशल डिफेंस 112, स्पीड 193, टोटल 510 लैंड, जो कि बहुत ही कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से इतना होना ही चाहिए और जोरुआक उसका कैपेबल भी है। मेरे हिसाब से तो आपको इसे लेना ज़रूर चाहिए। इसकी इफेक्टिवनेस देख लीजिए, वही सेम है, फाइटिंग, बग और फेरी। फेरी तो होता नहीं है, साइकिक ज़्यादा करके मिलते नहीं है पोकेमोन ब्लैक एंड वाइट 2 में, साइकिक बहुत मिलते हैं और जो कि इसको नहीं लगता। डार्क और गोस्ट नॉट वेरी इफेक्टिव, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। इसके अटैक्स है स्क्रैच, यू टर्न, परस्यूट, होन क्लॉस, फ्यूरी स्वाइप्स, फेंट अटैक, स्कैरी फेस, टॉन्ट, फाउल प्ले, नाइट स्लैश, टॉर्मेंट, एजिलिटी, एम्बागो, पनिशमेंट, नेस्टी प्लॉट, इम्प्रिजन, नाइट डेज। फिर से बोलूँगा, मेरे को नाइट डेज नहीं पता, आपको अगर पता होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नाइट स्लैश बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद आता है हमारा ग्लाइगार। ग्लाइगार भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपको ये सिनो रीजन में दिखा गया होगा ऐश के पास, और ऐश ने इसे बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दिया था। भले से ये ग्लाइगोर में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बना था, लेकिन जब ये ग्लाइगोर बन गया था ये बहुत 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 ही ज़्यादा पावरफुल बन गया था, और सच में मुझे ये बहुत पसंद आ गया था उसके बाद से। इसके बेस स्टैट्स है 240, अटैक 139, डिफेंस 193, स्पेशल अटैक 67, स्पेशल डिफेंस 121, स्पीड 157, टोटल 430, जो कि एक नॉन विकसित रूप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से ये पहला पोकेमोन होगा जिसने इवोल्यूशन हुए बिना 430 को टच किया है। इसके इफेक्टिवनेस देख लीजिए, सिर्फ दो ही है और नॉन इफेक्टिवनेस कितने सारे हैं। और इसके ये भी है कि इसको इलेक्ट्रिक और ग्राउंड दो दो ऐसे हैं जो इसको लगते ही नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है। और मैंने आपको क्यों रिकमेंड किया ये, आपको इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपनी टीम में, यह आपको लीग जिताने में बहुत बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और इसके अटैक्स है पॉइजन स्टिंग, सैंड अटैक, हार्डन, नॉक ऑफ, क्विक अटैक, फ्यूरी कटर, फेंट अटैक, एक्रोबेटिक्स। एक्रोबेटिक्स इतना पावरफुल है कि पूछो मत, लुगिया भी इसे यूज़ करता है। स्क्रीच, स्लैश, स्वर्ड डांस, यू टर्न, एक्सीजर, गुलियडेंस। गुलियडेंस अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एक्सीजर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक बग टाइप अटैक। इसके बाद आता है हमारा ग्लाइसगोर। ग्लाइसगोर को मैंने सबसे एंडिंग में रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और आपकी टीम को ये सबसे अच्छा कर देगा। आपको इसे इवॉल्व करने के बाद बहुत ही ज़्यादा पावर मिलेगी और आप सच में इससे बहुत ही ज़्यादा
जिम जीत सकते हो, बहुत ही सारी बैटल्स जीत सकते हो आसानी से। लीग में देखिए ये बहुत ही काम आएगा। इसके बेस स्टैट्स है HP 260, अटैक 175, डिफेंस 229, स्पेशल अटैक 85, स्पेशल डिफेंस 139, स्पीड 175, टोटल 510, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मेरे हिसाब से इसका भी कुछ जोर वाक के जैसा ही है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है और इसके कुछ 70+ हुए हैं और मेरे हिसाब से ये बहुत सही है, ठीक ठाक है। इसके भी सेम ही है, दो इफेक्टिवनेस है और दो लगते ही नहीं है, तीन नॉट वेरी इफेक्टिव है, बाकी सब नॉर्मल लगते हैं, जो कि एक नॉर्मल पोकेमॉन के लिए ठीक ठाक है। मेरे हिसाब से नॉर्मली स्पेशल है क्योंकि दो दो इसके पास नॉट लगते ही नहीं है, ऐसे अटैक्स है, तो मेरे हिसाब से आपको इसे ज़रूर लेना चाहिए। इसके अटैक्स है पॉइजन जैब जो कि बहुत पावरफुल है, सैंड अटैक, थंडर फैंग, सैंड अटैक, हार्डन, नॉक ऑफ, क्विक अटैक, फ्यूरी कटर, फेंट अटैक, एग्रोबैटिक्स फिर से बहुत पावरफुल है, स्क्रीच, नाइट स्लैश ये भी बहुत पावरफुल है, स्वर्ड डांस, यू टर्न, एक्सीजर, एक्सीजर ले लेना, गोलिडेंस जो कि मुझे नहीं पता, आपको पता होगा तो कमेंट कर देना। तो यही थी मेरी टॉप सिक्स पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट के लिए जो आपको जिता सकते हैं लीग। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि मैं अगली वीडियो कौन से 6 पोकेमॉन्स पर लाऊं और कौन से पोकेमॉन के गेम पर लाऊं।